सो ऑल राइट, राइट नाउ इट्स 12:51 और अभी जाके मेरा COVID-19 का रिजल्ट आ चुका है। जैसे आपको पता नहीं, कुछ ब्लॉक पहले मैंने RT-PCR टेस्ट कराया था बिकॉज मेरे को ट्रैवल करना था, एंड आज जाके उसका टेस्ट आ चुका है। या एंड रिपोर्ट के हिसाब से बोले तो आई एम कोविड नेगेटिव। मेरा प्लान पहले से ही क्लियर था कि जैसे ही मेरा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आएगा तभी ही मैं टिकट्स बुक करूंगा, बट पहले हमने अपनी पैकिंग कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास टोटल 5 बैग है। इन शॉर्ट मेरी पूरी पैकिंग हो चुकी है, बस टिकट बुक करके मेरे को अपना लैपटॉप अंदर रख के निकलने का अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए। एंड मैं आपको बताना भूल गया कि हम किधर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बैंगलोर फिर से, तो फटाक से टिकट बुक करते हैं और अभी जस्ट निकलते हैं। तो ऑलरेडी जाके फाइनली मेरी टिकट बुक हो चुकी है। हम जा रहे हैं बस से क्योंकि फ्लाइट का रेट है 5,000 रुपीज, एंड 5,000 रुपीज फॉर मुंबई टू बैंगलोर इज नॉट वर्थ इट। एंड सेम चीज मुझे बस का पड़ रहा है 900 रुपीज, तो मेरे कितने पैसे बच रहे हैं। एंड हमारी बस है 3:25 खारगर से, या तो हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, तो फटाक से चेंज करके मिलते हैं। हो सो फाइनली हम लोग तैयार होकर आ चुके हैं, एंड हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े पहने क्योंकि मुंबई में आज सुबह से जो बारिश हो रही है ना, मैं क्या बोलूं, लाइक एकदम तूफानी बारिश हो रही है। तो बस मैं विश करता हूं कि मैं सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊं, विच इज बैंगलोर। तो अभी बज रहे हैं 2:22 और हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, मैं अपना लैपटॉप एंड ऑल सब चीज रख चुका है। बस अभी ओला बुक करके अपने खारगर के लिए निकलना है क्योंकि 3 बजे हमारी बस आ जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं। अभी जाके ओला में बैठ चुके हैं, राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 3 एंड 3:20 के अराउंड तक मेरी बस आ जाएगी। एंड एज यू कैन सी बस पहुंच चुकी है वाशी के टोल नाके पे। वाशी का टोल नाका से खारगर भी 20-25 मिनट्स है और हम लोग भी 20-25 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ कट टू कट है। अभी जाके हम लोग खारगर के बस स्टॉप पे पहुंच चुके हैं, एंड हमारी जो बस है वो नेरूल पहुंची है, एंड हम लोग इधर अभी ये शेड के नीचे है, तो बारिश से थोड़ा सा बच रहे हम लोग। एंड ये बस स्टॉप तो पूरा भरा हुआ है, एंड सामान कुछ ऐसा दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 बैग है। कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो बस का नंबर याद रखना क्योंकि सेम कलर की बसेस बहुत होती है, सेम ब्रांड की बस बहुत होती है। हम नेशनल बस से आ रहे हैं तो डेट कभी भी हॉल्ट लिए नीचे उतरे वो पता रहेगा कि हाँ भाई बस नंबर कौन सा है मेरा। टॉयलेट हमारी बस जस्ट सामने ही है, तो ये सब सामान रख के मिलते हैं क्योंकि RT-PCR टेस्ट दिखाने का ना, तो शायद से मैं कैमरा अपना अंदर रख लूँगा। लेट्स सी। टॉयलेट का जगह मैं बस में बैठ चुके हैं, एंड मैंने सिंगल सीट लिया है, एंड सिंगल सीट बहुत छोटी है मेरे लिए, इसमें मैं बहुत मुश्किल से फिट होने वाला हूँ। एंड कुछ ऐसी है एंड या तो अभी ऊपर बैठने का ट्राई करूँगा मैं, इसमें तो मेरा सर भी फिट नहीं हो रहा है, कितना छोटा है। जैसे कि आप देख सकते हैं टीवी देखते चालू होता है कि नहीं, या वो छोटी सी विंडो मेरी और टीवी चालू हो गया मेरा, या और कोई तो ये मूवी लगी हुई है तो बंद कर ही देते हैं, एक टाइम ये चल जाता था मेरे को, बट कोई नहीं, चलो इसमें काम चलाते, मैं पूरा ऑर्गेनाइज करता हूँ फिर मिलता हूँ। तो कुछ ऐसा हो गया सेटअप, जब वो जो 3 बैग है मेरे, मैंने उसको एक के ऊपर एक लगा दिया, ये बैग है, थोड़ा सा कम्फर्टेबल हो गया हूँ मैं अभी, मतलब आदत तो डालना ही पड़ेगा। एंड ये है हमारा छोटा सा आशियाना कुछ 19 घंटों के लिए, या कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। और हम लोग अभी पुणे में हैं, जस्ट अ क्विक अपडेट। सो ऑलरेडी गाइस कुछ सीन ऐसा है कि हमारी बस ना अटक चुकी है, अगर आपको दिखना नहीं होगा बट हमारी बस अटक चुकी है, ये पाथ से जाने का है एंड ये पास में बस तो फिट नहीं हो पाएगी। अभी वही फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे लेके जाए, मतलब हम लोग कनाडा का बॉर्डर के जस्ट 10 मिनट्स दूर है एंड ये सीन हो चुका है। एंड मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत अंधेरा है यहाँ पे, मतलब मेरी फ्लैश लाइट भी जस्टिस नहीं कर रही है। ट्राई कर रहे इधर लेके आने का ये रास्ते पे एंड वहाँ से लेके जाने का, बट अटकी हुई है बस। एग्जैक्टली रात के 12 बज रहे और हमारी गाड़ी इधर अटक चुकी है, टायर के पास पत्थर डाल रहे हैं। हो रहा है भाई,
पूरी टर्न हो रही है भाई, पूरी टर्न हो रही है भाई, पूरी बस टर्न हो रही है फाइनली जाके हो चुका है, टर्न हो चुकी है बस। एंड ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं है, तो फिर बॉर्डर पे चेकिंग होती है आरटीपीसीआर के लिए, तो छुपके से लेके जा रहे हैं हमको कर्नाटका, इसलिए ऐसा सीन हुआ है। तो अभी डायरेक्टली बस में आते हैं, क्योंकि बस बहुत दूर पहुंच चुकी है, तो अभी चलो बस में बैठते हैं। एंड फाइनली अभी वो स्टॉप पे रुकाएगा, तो डायरेक्ट आपको स्टॉप पे ही मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, राइट नाउ इट्स 12:47 एंड फाइनली जाके हम लोग की बस रुकी है खाने के लिए। बहुत भूख लग रही है एक्चुअली, दोपहर का लंच मैंने नहीं किया था एंड अभी डायरेक्ट इधर आके खा रहा हूँ। सो एक्चुअली ये बैग में मेरा लैपटॉप एंड ऑल है, तो ये बैग कैरी करना पड़ता है, बाकी दो बैग में जूते एंड ऑल और कपड़े ही है, तो सो कैरी करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड कभी भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को ऐसे ढाबे वाबे या रेस्टोरेंट जाते तो खाना बहुत अच्छा लगता है, एंड स्पेशली मेरे को दाल खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो हम दाल खिचड़ी ऑर्डर करने वाले हैं रात के ऑलमोस्ट 1 बजे। या ऑर्डर गए पनीर टिक्का ऑर्डर किया है, क्योंकि दाल खिचड़ी नहीं है यहाँ पे, तो पनीर टिक्का और रोटी खा लेते हैं। ऑर्डर जाके अभी हमारा खाना आ चुका है, 4 रोटी एंड भाजी। तो आओ बिस्मिल्लाह करते, क्योंकि भूख बहुत लगी है, तो बात करने का टाइम नहीं, खाते ही है। ऑर्डर गाइस अभी मेरा खा के हो चुका है एंड 280 रुपीज़ हुआ, 4 तंदूरी रोटी एंड पनीर का कुछ तो साधन था। अभी डायरेक्टली आपको सुबह को ही मिलते, क्योंकि अभी रास्ते पे कुछ दिखाने लायक तो है ही नहीं, एंड होपफुली कोई नए खड्डे या कोई नई जगह पे हमारी ये पीछे बस ना अट के, तो डायरेक्टली आपको सुबह को मिलते हैं। सो ऑर्डर गाइस, गुड मॉर्निंग। यस, हम लोग अभी इधर हॉल्ट किए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, एंड दिस इज द सेम डेस्टिनेशन जब मैं पिछले टाइम बैंगलोर जाता था तो इधर ही जगह पे हॉल्ट किया था। एंड अगर बात करें तो नाइट जर्नी वॉज क्वाइट ओके, मतलब सब चीज़ चला गया था, स्मूथ था, मतलब झटके वटके पड़े नहीं बस में, आराम से नींद आ गई थी। एंड अभी हम लोग कुछ 3 आवर्स दूर है बैंगलोर से, 3 घंटे हम लोग बैंगलोर पहुंच जाएंगे। एंड इधर ब्रेकफास्ट करने का प्लान नहीं है, क्योंकि रात को उन्होंने बहुत ही हैवी खा लिए थे, शायद से एक चाय की चुस्की लगाई जा सकती है यहाँ पे। यहाँ पे तो फुल गाना वाना सीन चालू है भाई, या एंड हम लोग इधर वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बस चले। या तो ऑलराइट गाइस, फाइनली जाके हम लोग पहुंच चुके हैं बैंगलोर में। वेट, चश्मा पहन लेते क्योंकि भाई बैंगलोर में है तो ऐसा अच्छा दिखना चाहिए यार। या तो या बाय बाय बोल देते हैं हमारी जो बस है पीछे। एंड एक्चुअली अभी मेरा भाई पिकअप करने आने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली उसको मैं सुबह से कॉल लगा रहा तो वो उठा नहीं रहा, तो वो सो रहा है, तो हमने लकीली ओला ऑटो बुक कर दिया है 5601। फाइनली जाके ऑटो में बैठ चुके हैं, 1 मिनट में ऑटो भी मिल गई थी मेरे को। अभी बता रहा है कि मैं एग्जैक्टली 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा बैंगलोर की ऑटो रिक्शा में। ब्लॉक कर रहे अभी हम लोग, तो सामान कुछ ऐसा रखा हम लोग ने इधर। तो ऑलरेडी अभी जस्ट मैंने स्नैपचैट की स्टोरी डाला एंड इसमें लिखा आ रहा है लोकेशन मैसूर। हमारा प्लान था बैंगलोर आने का, इधर मैसूर दिखा रहा है, क्या बात है। या एंड अगर आपको मेरी डेली अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम और स्नैपचैट दोनों जगह पे ऐड और फॉलो कर सकते हो। डेली अपडेट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे तो मिल जाएगा, जैसे ऐसे स्टोरीज है तो फॉलो कर दो यार।